सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद भी अनेक राज्यों ने पद्मावत को अपने प्रदेश में बैन करने का ऐलान किया है। इसको लेकर बुधवार को फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। गौरतलब है कि पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज होनी है। सेंसर बोर्ड ने बिना कट लगाए इस फिल्म को रिलीज करने की बात कही थी। वहीं पद्मावत के निर्माता वायकॉम 18 ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है। इस याचिका में कुछ राज्यों में फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के खिलाफ अपील की गई है। सेंसर बोर्ड से कट लगाने और फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत होने के बाद भी कई राज्यों ने इस फिल्म को अपने राज्यों में रिलीज करने से मना कर दिया है। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार शामिल है। इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है। वहीं उत्तर प्रदेश में सेंसर से प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही सरकार इस फिल्म को दिखाने से मना कर चुकी है। प्रमाण पत्र मिलने और फिल्म का नाम बदलने के बाद कोई भी प्रतिक्रिया राज्य की तरफ से नहीं की गई है। गौरतलब है कि राजस्थान में करणी सेना, बीजेपी लीडर्स और हिंदूवादी संगठनों ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। राजपूत करणी सेना का मानना है कि इस फिल्म में पद्मनी और खिलजी के बीच सीन फिल्माए जाने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं फिल्म में रानी पद्मावती को घूमर करते दिखाया गया, जबकि राजपूत राजघराने में रानियां घूमर नहीं किया करती। उधर फिल्म पद्मावत के विरोध में बुधवार को चित्तौड़गढ़ के रिठोला चौराहे पर हाईवे जाम किया गया। फिल्म पद्मावत पर प्रतिबंध की मांग को लेकर सर समाज के लोगों ने ये जाम लगाया। वहीं कई लोग टेंट लगाकर धरने पर भी बैठ गए। चक्का जाम के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।